everyone welcome back to our channel learn and grow better if you are new here don't forget to hit that subscribe button and ring the bell to get notified every time we post a new video today we are diving into an exciting new topic in mathematics from class 8 chapter 1 rational number and the subtopic is to find rational numbers between two rational numbers सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रा दिस टॉपिक इज़ टू इम्पॉर्टेंट तो हमें ये देखना है अगर हमें कोई दो राशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे अगर दो रैशनल नंबर दे दिए फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू एंड थ्री बाय फोर दिया वैसे तो इनके बीच में इंफानाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं पर अगर आपको बोला जाए फाइंड एनी फाइव रैशनल नंबर बिटवीन दिज टू रैशनल नंबर तो हम कैसे निकालेंगे तो ये करना हम सीखेंगे अपनी वीडियो के थ्रू सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द वेरी फर्स्ट द मेन वे कैसे हम निकालेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू द सेकेंड वन इज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिनोमिनेटर तो इस टॉपिक को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट है विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू अगर दो रैशनल नंबर जिनकी सेम डिनोमिनेटर वैल्यू है अब डिनोमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर निकालेंगे वो हम चेकआउट करेंगे और साथ ही साथ अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है तब तो हम कैसे रैशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे वो भी हम अपनी वीडियो के थ्रू चेकआउट करेंगे विद वेरियस एग्जाम्पल सो आर यू ऑलरेडी लेट्स गेट इन टू दीडियो सो द वेरी फर्स्ट वन इज सेम डिनोमिनेटर वैल्यू सेम डिनोमिनेटर वैल्यू यानी कि यहाँ दो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लिए हमने टू बाय सेवन एंड फाइव बाय सेवन अब इन दोनों के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि आपको दो रैशनल नंबर निकालने हैं तो ये देखो यहाँ है टू बाय सेवन और यहाँ है फाइव बाय सेवन अब आपको दो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है तो टू बाय सेवन के बीच में हमारा थ्री बाय सेवन भी आता है और फोर बाय सेवन भी आता है तो हो गए हमारे दो रैशनल नंबर बिटवीन टू बाई सेवन एंड फाइव बाय सेवन अब मान लो अगर आपको बोला जाता है कि आपको फाइव रैशनल नंबर निकालने अब अभी तो अभी हमने देखा कि टू और फाइव के बीच में सिर्फ थ्री और फोर लाइक होता है और डिनोमिनेटर में हमने एज इट इज सेवन लिख दिया तो यहाँ तो हमने दो रैशनल नंबर तो बहुत ईजिली निकाल दिए अब हमें फाइव रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है अपने डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है यानी कि सबसे पहला रैशनल नंबर ले लो टू बाय सेवन इसको बड़ा बनाने के लिए हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे सेम एज इट इज हमें अपने सेकेंड रैशनल नंबर के साथ भी करना पड़ेगा ताकि टू बाय सेवन और फाइव बाय सेवन बड़े हो जाए और उनके बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर लाए कर पाए और हम इजिली लें एज सच आपको पता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इंफेनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं पर हमें उन इंफिनाइट राशन नंबर की वैल्यू लिखनी है तो हम वही चेकआउट कर रहे हैं अपनी वीडियो के थ्रू तो ये वेरी फर्स्ट पार्ट है जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है अगर दो राशन नंबर आपको दिए हैं उनके बीच में आपको बहुत इजीली कुछ राशन नंबर मिल जाते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर दो राशन नंबर इसमें निकालने के लिए कहा जाता तो आपका आंसर होता थ्री बाय सेवन एंड फोर बाय सेवन अब यहाँ पर फाइव रेशन नंबर निकालने के लिए बोला गया है तो हम क्या करेंगे अपने नंबर को बड़ा करेंगे तो बड़ा करने के लिए हमने क्या करना है ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा रैशनल नंबर बड़ा हो जाए जैसे हमने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल ऐसे ही नंबर में भी हमने टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया ट्वेंटी अपॉन सेवेंटी और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिफ्टी अपॉन सेवेंटी अब हमारे दो रैशनल नंबर कौन से हो गए ट्वेंटी अपॉन सेवेंटी और द सेकेंड रैशनल नंबर इज फिफ्टी अपॉन सेवेंटी अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी पांच लिख दो राशन नंबर जैसे मैंने लिख दिया ट्वेंटी सेवेंटी फोर्टी एट अपॉन्ट सेवेंटी फोर्टी फाइव अपॉइंट सेवेंटी थर्टी अपॉन्ट सेवेंटी और क्या लिख सकते हैं और थर्टी फाइव अपॉन्ट सेवेंटी कुछ भी पांच राशन नंबर लिखने इवन आप बहुत सारे राशन नंबर इनके बीच में लाइक करते हुए दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो हमें सिर्फ क्या करना था मल्टीप्लाई करना था टेन से दोनों रैशनल नंबर में और उससे बड़ा बनाकर हमने बहुत इजीली फाइव रैशनल नंबर या उससे ज्यादा रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर सो आई होप इट इज क्लियर नाउ नाउ सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है सेकेंड पार्ट में है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर थ्री है और यहाँ डिनोमिनेटर फोर है तब हमें हाँ क्या करना है इनके बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका एक स्टेप बढ़ जाता है यानी कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ता है उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे तो हमेशा ध्यान रखना है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जब भी आप एडिशन सब करते हो तो डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है और बिल्कुल ऐसे ही टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर हैविंग अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिनोमिनेटर तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करना है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम लिया जाता है तो थ्री और फोर का एलसीएम क्या होगा एलसीएम होगा थ्री और फोर थ्री वन सा फोर एसिड टू वन टू एंड थ्री टू झा सिक्स टू झा ट्वेन अब इनका एलसीएम क्या आया ट्वेन एलसीएम तो ऑफ and एंड is इज तो सबसे पहला मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का साइन क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर twelve आना चाहिए सेकंड रैशनल नंबर three by four ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का साइन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए twelve. Three को किससे मल्टीप्लाई करें twelve बाय four. वेरी वेल डन बिल्कुल ऐसी two को सेम जो नीचे लिखेंगे वही ऐसे तो यहाँ four two से eight आ गया यहाँ फोर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ट्वेल्व बाय अब यहाँ कितना है नाइन बायल्व अब मान लो हमारा नया रैशनल नंबर क्या है एट बाय ट्वेल्व और नाइन बाइ ट अब इनके पीछे फाइव नंबर इंसर्ट करने क्या हम कर पाएंगे यस yes, अफकोर्स हम कर पाएंगे कैसे करेंगे यही तो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा था ऊपर यही तो था हमारा अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें किसी बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है और बहुत ईजिली हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा बिल्कुल ऐसे ही अब डिनोमिनेटर सेम है अब हमें क्या करना है बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने दोनों साइड दोनों नंबर में टेन टेन से, से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा है एट्टी अपॉन वन ट्वेंटी यहाँ कितना आ गया नाइन्टी अपॉन वन ट्वेंटी तो हमारा पहला रेशन नंबर एट्टी अपॉन वन ट्वेंटी है और दूसरा रैशन नंबर है नाइन्टी अपॉन वन ट्वेंटी एट्टी अपॉन वन ट्वेंटी कैसे आया वो टू बाई थ्री का पार्ट है और नाइन्टी अपॉन वन ट्वेंटी क्या है थ्री बाय फोर है यानी कि ये सारी इको वेलिड नंबर है

87 upon 120. So these are the five rational number that exists between 2 by 3 and 3 by 4. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel. Learn and grow better.